जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में मैदान पर आया केएल राहुल का तूफान। दोस्तों केएल राहुल ने अकेले ही दूसरा वनडे मुकाबला जिता दिया और इतनी गेंदों में इतने रन ठोक डाले। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं केएल राहुल की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाला है, लेकिन दोस्तों इससे पहले एक प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया जिसमें जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 220 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए 5 विकेट खोने के बाद, जिसमें रजिश चकबाबा ने 45 रन लगाए तो वहीं सिकंदर रजा ने 30 रन लगाए और भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए अक्षर पटेल और दीपक चाहर ने 2-2 विकेट चटकाए। और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम पहले तो हारने वाली थी क्योंकि शिखर धवन 40 रन बना पाए तो वहीं सुमन गिल ने 60 रन की तूफानी पारी खेली और अंत में आकर भारतीय टीम का मोर्चा संभाला केएल राहुल ने, जबकि केएल राहुल ने मात्र 29 गेंदों का सामना करने के बाद 120 रन की नाबाद पारी खेल डाली जिसमें 18 छक्के और 5 चौके भी शामिल थे। और इस तरीके से भारतीय टीम को दूसरा वनडे मुकाबला मात्र 20 ओवर में ही केएल राहुल ने जिता दिया। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दूसरे और तीसरे वनडे मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी।